थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो हम रीड करते हैं, दैट इज अबाउट लेमार्क की थ्योरी, लेमार्किज्म। ठीक है, तो जब लेमार्क से पूछा गया, ये क्वेश्चन आया कि कैसे एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में चेंज होती है, कैसे स्पीशीज में एवोल्यूशन आती है, एंसेस्टर से कैसे आगे आगे नई स्पीशीज बनती हैं, तो इस चीज को जो लेमार्क ने सिंपल एक्सप्लेनेशन दी वो थी ट्रांसफॉर्मेशन। उसका जो जब ग्राफ देखा गया हमने, तो हमने ग्राफ देखा कि ये सपोज स्पीशीज ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बस वो अपने आप चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए उसने कुछ पोस्टुलेट्स बताए। ठीक है, तो एक बार इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं कि इसकी थ्योरी थी क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आई इंटरनल वाइटल फोर्स। जब लेमार्क से ये चीज पूछा गया कि आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज में चेंज होना, तो उसने बोला कि कुछ इंटरनल वाइटल फोर्स है, शायद कुछ अंदर से ही ऐसी फोर्स है जो कि उसको एकदम से चेंज कर देती है, मैजिक की तरह में भी, है ना, कि देयर इज सम काइंड ऑफ इंट्यूशन, मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ इंटरनल फोर्स विच इज फोर्सिंग दैट स्पीशीज टू चेंज इनटू अनदर स्पीशीज। बट जब इसके बारे में इसको क्वेश्चन किया गया कि क्या आपके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ है बातों के ही अलावा कि कोई इंटरनल वाइटल फोर्स है क्या, क्या चीज होती है, बट लेमार्क वाज साइलेंट। उनके पास तो कोई ऐसा प्रूफ ही नहीं था कि इंटरनल वाइटल फोर्स क्या होती है, राइट। सेकेंड, उसने बोला कि जैसे जैसे कोई भी स्पीशीज आगे बढ़ती हैं, वो एवोल्यूशन में जाती हैं, एडवांस लेवल पे जाती हैं, चेंज होती हैं, उनका बॉडी साइज लार्ज रहता है। मतलब कि ए स्पीशीज जब बी में जाएगी तो उसका साइज बढ़ेगा, जब सी में चेंज होगी उसका साइज और बढ़ेगा, और आगे आगे जाके उसका साइज और इंक्रीज होगा। तो ये बोला हमारे लेमार्क ने। लेकिन फिर आए हमारे होनहार साइंटिस्ट लेमार्क को क्वेश्चन करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर ऐसा केस है तो शायद आप फर्न्स और कॉनिफर्स के बारे में पढ़ना भूल गए, क्योंकि जो फर्न्स एंड कॉनिफर्स हैं, अगर हम इनकी एवोल्यूशन को स्टडी करें, जैसे जैसे इन्होंने एडवांस स्टेज तक पहुंचे, इनका साइज तो कम हुआ है। अगर आप इनके एंसेस्टर्स निकाल के देखोगे, उनका साइज बड़ा था और आज इनका साइज कम है, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका ये भी सही नहीं बैठा। चलो कोई बात नहीं। तीसरी उसकी आई थी फ्लक्चुएशंस इन एनवायरनमेंट न्यू नीड्स, कि जब एनवायरनमेंट में कुछ फ्लक्चुएशंस आती हैं, वो ऑर्गेनिज्म में नई नीड्स पैदा करती हैं। अब इसको थोड़ा सा हम खोलते हैं, मतलब कि इसमें क्या है। देखो, तो एक सिनेरियो उसने समझाया कि सपोज हमारे पास था जिराफ, कि पहले टाइम पे जो जिराफ होते थे उनकी गर्दन होती थी छोटी, ठीक है, तो जब उनकी गर्दन छोटी थी तो वो नीचे ग्रासेस वगैरह खाते थे। जैसे जैसे टाइम पास हुआ, ग्रासेस का अमाउंट कम हो गया, ग्रासेस तो दिखनी बंद होगी उनको, तो उन्होंने क्या किया, जो ऊपर पेड़ थे, जो लार्ज ट्रीज थे, वो उनके ऊपर थोड़ा फीड करने लग गए। अब जैसे जैसे उन्होंने लार्ज ट्रीज तरफ जाने की कोशिश की, तो ऑब्वियसली देयर वाज स्ट्रेच इन द नेक, तो धीरे धीरे ऐसे करते करते अगली जनरेशन आई, उसमें भी यही देखने को मिला, तीसरी आई उसमें भी यही देखने को मिला। तो उसने बोला ऐसे करते 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 जो जिराफ की बिल्कुल भी गर्दन नहीं थी, अब उसकी गर्दन क्या हो गई, लंबी। तो इसने वो दी थ्योरी यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स, कि एनवायरमेंट में कोई फ्लक्चुएशन हुई थी जिसकी वजह से उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को ढालना पड़ा, उसको अडेप्ट करवाना पड़ा। कैसे उसने करवाया, उसकी जो गर्दन थी वो धीरे धीरे लंबी होती गई। तो ऐसे ही इसी से फिर निकल के आया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, कि अगर वो अपनी गर्दन को यूज ना करता आगे वाले जनरेशन में भी, तो शायद वो उसकी लंबी गर्दन आज उसका प्रोमिनेंट कैरेक्टर नहीं होती। लेकिन क्योंकि उसकी सारी जनरेशंस ने अपनी लंबी गर्दन को यूज किया दोबारा से किया, और उनको लगा होगा कि भाई ये चीज तो ठीक है, नीचे तो हमें कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, हम ऊपर से ही खा लेंगे जहां से कोई भी नहीं खाता। तो उसने बोला कि क्योंकि उस चीज को बार बार उन्होंने यूज किया, इसीलिए उनकी जो गर्दन हो गई वो लंबी हो गई। एक एग्जाम्पल उसने ये दे दी। सेकेंड उसने दे दी केव फिशेज। जो केव फिशेज होती है ना, इनमें आइस बहुत रिड्यूस होती है, केव में क्योंकि रोशनी ही नहीं होती, उन्होंने ऑलरेडी डार्क में रहना होता है, तो कहता है कि क्योंकि वो आइस अपने यूज ही नहीं कर रही थी, इसलिए वो ब्लाइंड वाली ही कैटेगरी में एक तरह से हम उनको रख देते हैं। ठीक है, स्नेक की बात कर लो कि स्नेक के लिम्स क्यों नहीं है, क्योंकि वो यूज ही नहीं करता था, इसलिए स्नेक के लिम्स नहीं है। तो ये सारे जो हमारे पोस्टुलेट्स थे, ये थे लेमार्क के। अब एक हमारा पोस्टुलेट है इनहेरिटेंस
इनहेरिटेंस ऑफ द अक्वायर्ड करेक्टर्स. तो इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड करेक्टर ने रिमार्क ने बोला कि भाई बॉक्सर का बेटा बनेगा बॉक्सर, ब्लैकस्मिथ का बेटा बनेगा ब्लैकस्मिथ, डांसर का बेटा बनेगा डांसर. पर ऐसा तो नहीं है, दिस वी ऑल नो. हम ही है इस चीज के बिल्कुल एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है, राइट. तो उसने बोला कि अगर हम कोई चीज अक्वायर्ड करते हैं, अगर मैं कोई टैलेंट अक्वायर कर रही हूं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में मेरे ऑफस्प्रिंग में आगे पास होगा. लेकिन इसके लिए तो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म मिलनी ही थी. तो उन्होंने बोला भाई क्या ब्लैकस्मिथ का बच्चा ब्लैकस्मिथ होता है, क्या उसके हाथ भी काले होते हैं? नहीं होते. बोरिंग ऑफ द पिन्ना, हम अपना कान जो है इसमें स्टड्स डलवाते हैं, बोर करवाते हैं, तो क्या अगली जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग बच्चा पैदा होता है उसमें भी बोर होता है? नहीं होता. तो इसका मतलब इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड करेक्टर्स यहाँ से क्या प्रूव हो गया? रॉन्ग. तो यहाँ से लेमार्क की थ्योरी को इतनी क्रिटिसिज्म मिली इन सारे फैक्टर्स से कि उसको अपनी थ्योरी को थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ा, घुमाना पड़ा. अब इसमें से भी एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म. एक बहुत ही वाइज साइंटिस्ट आए, इनका नाम था अगस्त वीजमैन. तो अगस्त वीजमैन ने हमारी दी थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म. थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म क्या कहती है? आपकी बॉडी में देखो दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और एक होते हैं जर्म सेल्स. स्पर्म और ओवम जो है हमारे, जो भी हमारे गोनाडोट्रॉपिक वाले गोनाड से रिलेटेड सेल्स हैं, वो सारे हमारे जर्म सेल्स में आते हैं. बाकी सारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के जितने भी बाकी सेल्स हैं, सेक्स सेल्स को छोड़ के, वो सारे आपके सोमैटिक सेल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं. तो अगस्त वाइजमैन ने बोला भाई लेमार्क, जो करेक्टर्स जर्म प्लाज्म में जाएंगे, जर्म सेल्स में जाएंगे, वही करेक्टर्स आगे ऑफस्प्रिंग में पास होंगे. आपके जर्म सेल में करेक्टर है आईज का, टॉलनेस का, शॉर्ट हाइट का, ठीक है. ये सारे करेक्टर्स हैं आपके जर्म सेल्स में कि भाई ये करेक्टर्स आगे जाएंगे. जो करेक्टर्स की तू बात कर रहा है, आप बात कर रहे हैं सोमेटिक सेल्स वाले, वो करेक्टर्स आगे नहीं जाएंगे. तो इसीलिए इन सभी चीजों को और अपनी क्रिटिसिज्म को देखते हुए लेमार्क ने अपनी थ्योरी को किया थोड़ा सा मॉडिफाई. तो इसमें से सबसे पहले उसने दी हमारी न्यू थ्योरी नियो लेमार्किज्म. तो उसका पहला पोस्टुलेट था कि भाई ये बात तो देखो मेरी गलत नहीं है, इन्वायरमेंट कुछ ना कुछ तो देखो रोल प्ले करती है. जब हम डार्विन की स्टोरी देखेंगे, वहां पे गैलापागोस आइलैंड पढ़ेंगे, तो आपको ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि उसने सच कहा, इन्वायरमेंट का हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है. आप अभी देख लो, माउंटेन्स में चले जाओ, 10-15 दिन वहां पे रहो, माउंटेन सिकनेस किसी को होती है, जैसे जैसे वो रहता है उसकी कम होनी शुरू हो जाती है. इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस तो हमारे ऊपर है, ठीक है. तो सेकेंड उसने बोला कि ऐसी नहीं है, कुछ तो वेरिएशंस हैं, जैसे जैसे कुछ तो वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म में आती हैं, ठीक है. सारा नहीं मैं बोल रहा कि वेरिएशंस आती हैं, पर कुछ ना कुछ वेरिएशंस एनवायरनमेंट की वजह से जरूर आती हैं. थर्ड उसने बोला कि ठीक है चलो भाई, ये तो मैं मान ही गया कि कोई इंटरनल वाइटल फोर्स नहीं होती. और लास्ट उसने बोला कि ये भी मैं मान गया कि जो करेक्टर्स आपके जर्म सेल्स में होते हैं वही आगे जाके ट्रांसफर होते हैं, जो करेक्टर्स सोमेटिक सेल्स में होंगे वो आगे ट्रांसफर नहीं होंगे. तो ये आपकी सारी थ्योरी थी, लेमार्किज्म की थ्योरी, नियो लेमार्किज्म की थ्योरी. उसने क्या क्या, इसके क्रिटिक्स ने क्या क्या उसको बताया, ये सारा कुछ. सो लेट्स डाइव इन टू द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज अबाउट द डार्विनिज्म.